अभी हम बेतिया के जगदीशपुर थाने में पहुंच चुके हैं। यहीं पे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि खुद से सिलेंडर दिए हैं। आखिर में क्या सच्चाई है अभी कोई पता नहीं लग रहा है। इसी पे कुछ लोग जो थाने हैं, थाने के बाहर रोड पर भी बवाल भी हुआ था। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करें कि आखिर में क्या सिलेंडर किए हैं, क्या गिरफ्तार किए हैं। यही थाना है, दिखा दीजिएगा। इसी थाने में यहीं से उनका जो फोटो है, फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा था कि मनीष कश्यप की आज हो गया है गिरफ्तारी। और कुछ लोग कह रहे थे कि आज उन्होंने सिलेंडर कर दिए। इधर भी दिखा दीजिएगा, यहीं हुआ है। यहीं से कुछ लोग हमारे साथ में भाई लोग भी हैं, उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग पदाधिकारी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा आइएगा इधर। सर एक आपसे सवाल है, कुछ कर सकते हैं? नहीं। अरे सवाल यही है कि मनीष कश्यप जो है वो कह रहे हैं कि हम खुद से सिलेंडर किए हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार दिए हैं। इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। नहीं पता है, मैंने गिरफ्तार दिए हैं कि सिलेंडर किए हैं, मैंने गिरफ्तारी किया गया है कि सिलेंडर दिए खुद से। देखिए इन्होंने नहीं बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, खैर कोई बात नहीं। हमारे साथ में भैया है। अच्छा भैया ये बताइए कि जो मनीष कश्यप की आज गिरफ्तारी हुआ है, इस पे क्या कहिएगा? ये तो बिहार के पत्रकार को की आवाज दबाने का काम हुआ है। हाँ। जो कि सरासर गलत है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। हमारे देश के चौथे स्तंभ होते हैं पत्रकार। हाँ। अगर उनको खबर दिखाने की सच्चाई आजादी नहीं होगी तो ये तो सरासर गलत है। चलिए क्या मतलब मांग क्या करते हैं कि कब तक उनको रिहा करा दिया जाए? हम पूरे बिहार वासियों का यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो उन पे फर्जी मुकदमा दायर किया गया है उसको वापस लिया जाए। इससे पूर्व में भी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल है, उनसे पहले भी वीडियो जो बनाए थे तमिलनाडु प्रकरण में दिखाए थे, उन पर भी अगर नियम कानून एक आदमी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, नियम कानून समान होना चाहिए, सभी व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तो उन सभी भी चैनलों और प्रिंट मीडिया पर भी कार्रवाई हो और उनको भी जेल में डाला जाए। चलिए बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, मीडिया लोग भी आए हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या है कि इन लोगों की क्या राय है, क्या जो मनीष कश्यप गिरफ्तारी हुआ है, ये लोग क्या इन लोगों ने अपना राय दे रहे हैं। आइए हम कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि हमारे साथ में राजा भैया है। आइए भैया ये बताइए कि जो आज मनीष कश्यप गिरफ्तारी हुआ है, इस पे आप क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं कहेंगे इसके विषय में। नहीं कहिएगा? नहीं। आप भैया नहीं कहेंगे, बता रहे हैं आपसे। ये मैटर जो है कोर्ट का है, मैटर जो है थाना का है, मैटर सरकार का है। इस मैटर में हम क्या बोल सकते हैं? आप कुछ कहिएगा जी। हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये हुआ है वो इस पे अपना प्रशासन जो भी कार्रवाई करना चाहती है, इसको सच्चाई को सामने आए, सच्चाई को सामने लाए, उसके बाद में जो भी निर्णय हो उसे सब कुछ स्वीकार करेगा। चलिए जो इनका गिरफ्तारी हुआ है कहाँ तक सच्चाई है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत